गाइज कैसे हैं आप सब। आपका भाई सलमान हाजिर है फिर से एक नए व्लॉग वीडियो के साथ में। तो गाइज फाइनली हम अपना नेक्स्ट व्लॉग वीडियो लेकर के आ गए हैं। गाइज आज अपना व्लॉग होने वाला है कुछ देसी स्टाइल में, क्योंकि आज अपना देसी वाला व्लॉग बनाने वाला हूं मैं। क्योंकि हमारा जो खेत है, अपना खेत है, उसमें थोड़ा सा हल चलाया जा रहा है और उसके बाद फिर से उसमें बिया रोपा जाएगा। धान का बिया जो होता है उसको रोपा जाता है, फिर वो जा करके धान बनता है। तो गाइज उसी का व्लॉग वीडियो बनाने के लिए हम आ गए हैं अपने बाद में। अभी अपने बाद में पहुंचे हुए हैं, यहाँ से वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं इसमें कि कैसे मतलब यहाँ पर खेती होता है, मतलब कैसे बोया जाता है खेत को और कैसे धान रोपा जाता है सब कुछ। तो गाइज आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये देसी वाला वीडियो है, देसी व्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए आप देख सकते हैं मेरा स्टाइल, मतलब हम जो अभी आए हुए हैं आप पैर का स्टाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैं अपने हाथ में चप्पल भी ले रखा हूँ। और फिर अब हम चलते हैं आगे की ओर, तब आपको हम दिखाते हैं। चलिए हम अपने खेत के पास आ गए हैं, अब अपने खेत के पास चलते हैं। वहाँ पर हल है, अभी हल चल रहा है, मतलब देसी वाला हल। ट्रैक्टर नहीं है भाई, ट्रैक्टर नहीं हो पाया, इसी वजह से देसी वाला हल, मतलब दो बैल हैं और एक आदमी है। वो मैं आपको सीन दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसे जुटा जाता है। आप हार्ड वाला रास्ता है गाइस, ये वाला रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं नीचे का किस हाल में बना हुआ है, पैर वैर पूरा स्लिप कर रहा है। बस यही है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि सिर्फ हम गिरे नहीं, यहाँ पर गिर गए तो फिर लफड़ा हो जाएगा हम लोगों के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से सीन गाइस, हल जो है ऐसे यहाँ पर जोता जाता है, खेत जोतने का स्टाइल देख सकते हैं। लेकिन किस टाइप से जोता हुआ पूरा खेत आप देख सकते हैं, पूरा हैवी तरीके से जोता जाता है इसको, इससे बढ़िया तरीके से हो जाता है। My heart rages around like an old... आपके सामने जोत रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा है, क्या करें, मजदूर नहीं मिलता है, धान रोपाई होता है। ये किसान भाई लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग देखिए किस टाइप से मतलब खुद का मेहनत करके और खुद का अपना अनाज, खुद का सब कुछ अपना मैनेजमेंट खुद से करते हैं, किसी के सहारे नहीं बैठते हैं, ये आप देख सकते हैं। देख चुके हैं आपको हम पूरा सीन दिखा दिया, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे सामने में जो है वो खेत जोत रहे हैं। और फिर हम अब आगे चलते हैं आगे की ओर, वहाँ पर मतलब धान रोपा जा रहा है, उसका भी थोड़ा सा हम आपको फुटेज दिखाते हैं कि किस टाइप से यहाँ धान रोपा जाता है बिहार के अंदर, किस टाइप से सब मेहनत करते हैं। और मेरे साथ में एक मेरा दोस्त भी आया हुआ है। हम आगे चलते हैं, फिर आपको आगे का फुटेज दिखाते हैं वहाँ पर पहुँच करके कि धान कैसे रोपा जाता है। अभी ये सब वाला धान तो देख सकते हैं गाइस, ये सब धान जो है ये रोपा चुका है, और मतलब आगे का जितना भी खाली है, खाली जगह आपको जो जो दिख रहा है वहाँ नहीं रोपा गया है, वहाँ अब रोपा जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर, फिर आपको हम सीन दिखाते हैं वहाँ पर से। तब शकील कुछ बताओ। और भाई बहुत मजे में कट रहा है, क्या सब कर रहा है आजकल? आजकल क्या करूँ, थल्ले की तरह घूम रहा है, और क्या करूँगा, थल्ले की तरह घूम रहा है यार। कहे बे पढ़ाई चला गया सब, है रे वाह, का है भाई भाई पढ़ने के टाइम में तो क्या बोलता, लोंडिया पटा रहा था मैं। हाँ, कितना गर्लफ्रेंड बना के रखे हुआ है? कितना गर्लफ्रेंड बना के रखे हुआ, सही से बताना। गर्लफ्रेंड क्या बना, दो चार बना के रखा हूँ। अबे दो चार बना के रखा है साला, और हम लोग हैं जो साला निठल्ला हो गए हैं, साला एक भी नहीं है। बताओ भाई, बताइए गाइस, हमारे दोस्त के पास चार चार गर्लफ्रेंड है और साला हमारे पास एक भी नहीं है, बताइए ये कैसा ना इंसाफी है। और ये पूरा एकदम मजे करते रहता है, एकदम दो दो लड़की को एक साथ बैठाता है अपने गोदी में,
गाइस आप सोच सकते हैं ये कितना दीवाना बंदा है। तो एक किसी को डॉग में डूब के क्या कर रहा है। गाइस हम आपको अभी एक सीन दिखाते हैं वहाँ पर का, फिर आप देखिएगा तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर ये भैया जो हैं ये अभी फिलहाल ये धान रोपनी कर रहे हैं, रोपा जा रहा है धान को। देख सकते हैं किस टाइप से रोपा जाता है। सारे आदमी उधर भी हैं, फिर हम उधर चलते हैं। और ये बच्चा के लिए स्पेशल बिहारी स्टाइल में, मतलब बोले तो टब में आराम से इसको बैठा करके, और इस स्विमिंग पूल में, मतलब इंडिया में बिहार में समझिए ये स्विमिंग पूल ही है, उतना मतलब उतना ज़्यादा स्विमिंग पूल वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, बट पोखरी को स्विमिंग पूल हम लोग समझ लेते हैं और उसी में नहा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम आपको करीब से ले जाके दिखाते हैं वहाँ पर, फिर आप देखिएगा काफ़ी मतलब अच्छा है। खेती कर रहे हैं, कुछ देर में पूरा हो जाएगा ये, उसके बाद घर पे जाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और फिर आराम से आ जाएंगे। ये मेरा धान रोपा हुआ है गाइस, जब देख सकते हैं गौर से, बड़ा होगा तो इसी को उखाड़ के लेके जाएंगे घर। फाइनली गाइस हमारा व्लॉग वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं अब घर चलता हूँ, आपसे जल्द मिलने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। ठीक है गाइस, तो मैं ये विश्वास रखता हूँ आप लोगों पे कि आप लोगों को हमारा ये वाला व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के अभी चलते हैं वहाँ घर, उसके बाद तब आपसे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में मिलते हैं। ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम सबको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर हम सबको बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना देर हम तो घूमे हैं, घूम करके आप सबके लिए हम सब इतना वीडियो बनाए हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब फिर आपसे आप नेक्स्ट व्लॉग वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।